अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स कहता है फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब देखो, इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है, एफ डैश एक्स जो है वो हमारा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होना चाहिए, ये होता है। इसको हम लोग साइन चेंजिंग रूल से चेक करेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पे ए से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिफरेंशियल करेंगे। देखो इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, इसको हम मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसका डिफरेंशियल आएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस टू, यह आएगा। और यहां से अगर हम टू कॉमन ले लें तो यह आएगा एक्स प्लस वन। अब साइन रूल क्या होता है, इसको हम लोग जीरो के इक्वल पुट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन। अब हम लोग अगर नंबर लाइन बनाएं और यहाँ पे एक ही पॉइंट मिला है, इसको रखेंगे माइनस वन। अब माइनस वन से अगर हम कोई बड़ा नंबर लें, यानी माइनस वन के बाद यानी जीरो ले लो, तो जीरो प्लस वन क्या आएगा, वन, वन इंटू टू टू, यानी पॉजिटिव आएगा। तो इस साइड में माइनस वन के इधर के अगर हम कोई भी नंबर रखेंगे तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आएगा। और अगर हम इधर वाले नंबर रखेंगे यानी माइनस वन से छोटे नंबर रखेंगे तो एफ डैश एक्स लेस देन जीरो आएगा। चेक कर सकते हैं, अगर एक्स की वैल्यू माइनस टू रखें तो माइनस टू प्लस वन माइनस वन, माइनस वन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू, लेस देन जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब इंक्रीजिंग जो इंटरवल है क्या है, माइनस वन कॉमा इनफाइनाइट, इस पे ये इंक्रीज करेगा, माइनस इनफाइनाइट कॉमा माइनस वन इस इंटरवल पे ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब देखो सेम चीज बी वाला क्वेश्चन के लिए, यहां पे अगर हम डिफरेंशियल करेंगे एफ डैश एक्स, तो इसका जो डिफरेंशियल करेंगे तो टेन का डिफरेंशियल तो जीरो हो जाएगा, माइनस सिक्स माइनस फोर एक्स, ये आएगा माइनस सिक्स माइनस फोर एक्स। अब यहां से अगर हम एक्स की वैल्यू निकालें, यानी इसको जीरो पुट करना पड़ेगा एक्स की वैल्यू के लिए, तो यह आएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स अपॉन फोर, इसको इधर ले गए फिर फोर से डिवाइड कर दिया तो यह आ जाएगा माइनस थ्री अपॉन टू, एक्स की वैल्यू यहां पे भी वन आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स जो कि हमारा है, अगर हम माइनस टू कॉमन ले लें तो थ्री प्लस टू एक्स, ये इस तरह से आ गया। ये हमारा ग्रेटर देन जीरो कब होगा, देखो एक्स की वैल्यू ये है माइनस थ्री बाई टू, माइनस थ्री बाई टू यानी कि अगर इसको हम डिवाइड करें तो 1.5 आएगा, यानी डेढ़। तो हम चूंकि इंटीजर रख के चेक करेंगे थोड़ा आसान पड़ेगा, तो हम टू रख लेते हैं, टू हमारा इस साइड में होगा। तो टू अगर हम रखेंगे तो टू टू जा फोर, फोर प्लस थ्री सेवन, सेवन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे फोर्टीन, और माइनस साइन पहले से लगा हुआ है तो माइनस फोर्टीन। इसका मतलब ये हुआ इधर वाले नंबर जो हैं उस पर ये फंक्शन क्या आएगा, निगेटिव आएगा, और इधर वाले फंक्शन पे पॉजिटिव आएगा। एक के लिए चेक कर लेंगे, बाकी फिर अल्टरनेट कर लेंगे। तो एफ डैश एक्स जो है, एफ डैश एक्स ये हमेशा निगेटिव होगा फॉर माइनस थ्री कॉमा टू, माइनस थ्री अपॉन टू कॉमा इनफाइनाइट, इसके लिए ये लेस देन जीरो होगा। इसका मतलब इस इंटरवल पर ये डिक्रीज करेगा, और एफ डैश एक्स हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर माइनस इनफाइनाइट कॉमा माइनस थ्री अपॉन टू, और इस इंटरवल पे ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब सी वाला देख लेते हैं। तो सेम चीज जैसे कर रहे हैं, इसका भी हम लोग डिफरेंशियल कर देंगे तो ये आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू थ्री टू जा सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एटीन एक्स माइनस ट्वेल्व, क्या कॉमन मिल रहा है, माइनस सिक्स, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर सिक्स थ्री जा एटीन एक्स सिक्स टू जा ट्वेल्व, ये आ गया। इसको फैक्टर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं टू प्लस वन, यानी टू एक्स प्लस एक्स प्लस टू। यहाँ पे अगर हम देखें तो x कॉमन मिल जाएगा यहाँ से वन, तो x प्लस वन एक्स प्लस टू। तो यहाँ से अगर हम देखें x की वैल्यू क्या आएगी, एक तो माइनस वन और एक माइनस टू। नंबर लाइन बना लेते हैं, ये माइनस वन ले लेते हैं, ये ले लेते हैं माइनस टू, सॉरी माइनस टू इधर आएगा, माइनस वन इधर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे
माइनस वन से ज़्यादा कोई भी नंबर रखो, देखो माइनस वन से ज़्यादा जीरो होता है, जीरो अगर हम रखेंगे तो ये वन टू, वन इंटू टू टू आ जाएगा, टू को सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेल्व, और माइनस पहले से लगा है इसका मतलब माइनस ट्वेल्व। तो अगर हम इधर वाला नंबर रख रहे हैं तो माइनस में आ रहा है एफ डैश एक्स, तो ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। इसका मतलब क्या होगा, जो माइनस वाले हैं वो हमारे क्या होंगे डिक्रीजिंग, और जो प्लस वाले हैं वो हमारे इंक्रीजिंग। इसका मतलब डिक्रीज, यहाँ पे लिख लेंगे एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन क्या है, माइनस इनफाइनाइट कॉमा माइनस टू यूनियन माइनस वन कॉमा इनफाइनाइट एंड इंक्रीजिंग ऑन या इन माइनस टू कॉमा माइनस वन। तो सिंपल सा है कि हमें उसका पहले डिफरेंशियल करना है जो फंक्शन दे रखा है, उसको फैक्टराइज करना है, और फैक्टर करने पर जो एक्स की वैल्यू आई है उसको नंबर लाइन पे लेना है, और नंबर लाइन पे जिस जिस पर निगेटिव आ रहा है वहाँ पे हम कहेंगे ये डिक्रीज कर रहा है उस इंटरवल पे, और जिस पे पॉजिटिव आ रहा है उस इंटरवल पे इंक्रीज कर रहा है। और निगेटिव और पॉजिटिव चेक करने के लिए क्या करना है, कोई भी एक नंबर रख के चेक कर लेंगे कि उस पर साइन क्या आ रहा है एफ डैश एक्स का, इस हिसाब से हम लोग चेक कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं डी वाला, तो डी वाला क्या दे रखा है, देखो ये दे रखा है, यहाँ पे हम इसको भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, जीरो माइनस नाइन माइनस टू एक्स, और इसको अगर लिखें तो यह आएगा माइनस बाहर लिख लेते हैं प्लस टू एक्स, ये आ गया। अब देखो एफ डैश एक्स जो है, हम पहले इस यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से जो आएगी वो आएगी हमारी माइनस नाइन बाई टू, ये आएगी। इसका मतलब नंबर लाइन हम बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस नाइन बाई टू। अब माइनस नाइन बाई टू से बड़ा नंबर, माइनस नाइन बाई टू का मतलब क्या होगा, माइनस माइनस का है, इसका मतलब माइनस से बड़ा जीरो तो हमेशा होता है, तो जीरो भी एक कोई नंबर होगा, तो जीरो रख के चेक कर लेते। तो यहाँ पे जब हम जीरो रखेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये बचेगा नाइन, और ये माइनस पहले से लगा है तो ये बचेगा माइनस नाइन। इसका मतलब जीरो पे जो है वो निगेटिव आ रहा है, तो इधर साइड निगेटिव होगी इधर साइड पॉजिटिव होगी। इसका मतलब इंक्रीजिंग इंटरवल क्या होगा, जिधर पॉजिटिव होता है इंक्रीजिंग इन माइनस इनफाइनाइट कॉमा माइनस नाइन बाई टू डिक्रीजिंग इन माइनस नाइन बाई टू कॉमा इनफाइनाइट। तो इंटरवल ही चाहिए था तो हमने दो इंटरवल देख लिए। अब लास्ट वाला दे रखा है हमारा ई, ये क्या दे रखा है, एक्स प्लस वन की पावर थ्री एक्स माइनस थ्री की पावर थ्री, तो इसको भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो फंक्शन जो हमारा ई वाला दे रखा है वो क्या दे रखा है, एक्स प्लस वन की पावर थ्री एक्स माइनस थ्री की पावर थ्री, इसमें यू इंटू वी लगा देंगे, या फर्स्ट सेकेंड बोलते हैं तो फर्स्ट सेकेंड लगा देंगे। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, इसको अगर हम फर्स्ट माने इसको सेकेंड माने तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल, और सेकेंड का डिफरेंशियल मतलब थ्री एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर, और एक्स माइनस थ्री का जब इस डिफरेंशियल करेंगे तो एक्स का डिफरेंशियल वन थ्री का डिफरेंशियल जीरो तो करेंगे ही नहीं, तो प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल, फर्स्ट का डिफरेंशियल मतलब थ्री एक्स प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है ये आ गया। अब यहाँ पे जो कॉमन मिल रहा है वो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे कॉमन मिल रहा है थ्री एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर एक्स प्लस वन का स्क्वायर, क्या बचेगा यहाँ पे एक्स प्लस वन, यहाँ पे क्या बचेगा एक्स माइनस थ्री, थ्री एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर एक्स प्लस वन का स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा एक्स प्लस एक्स टू एक्स, और थ्री में से वन गया माइनस टू, यहाँ से टू कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा सिक्स एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन का स्क्वायर एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर, इस तरह से आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो क्या क्या वैल्यू आएगी, एक तो वन आएगी और एक माइनस वन आएगी, एक थ्री आएगी। अब नंबर लाइन, ठीक है नंबर लाइन हमेशा तभी बनाते हैं जब लीनियर फैक्टर होते हैं, जैसे जब पावर वन हो, यहाँ पे पावर है टू, यहाँ पे भी टू,
तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा लॉजिकल सोचेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, देखो ये जो है ना और ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब इसमें एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो ये हमेशा पॉजिटिव ही देगा। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स का जो साइन है वो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ इस पे, ठीक है। तो अगर हम नंबर लाइन बनाएंगे तो सिर्फ ये वाला पॉइंट रखेंगे, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू वन आ गई। तो अगर एक्स की वैल्यू वन से ज़्यादा है, एक्स की वैल्यू वन से ज़्यादा है तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और अगर एक्स की वैल्यू वन से कम है तो निगेटिव आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग इन वन कॉमा इनफाइनाइट, एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग इन माइनस इनफाइनाइट कॉमा वन। तो सबके इंटरवल पूछे थे तो सबके हमने इंटरवल निकाल लिया, यही हमारे आंसर हो जाएंगे।